पति जी, आज 193 में कृषि और किसानों पर आई आपदा के ऊपर ये सदन अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी बात शुरू करने के पहले। देश में प्राकृतिक आपदा से किसान को हर 2-3 साल में 2-4 होना पड़ता है, लेकिन लगातार वर्षों के अनुभव के बाद किसान के साथ जो न्याय होना चाहिए नीतिगत मामलों में, वो अभी तक उसकी अनदेखी हुई। पहली बार भारत सरकार ने किसान को मुआवजा देने की रीति में और किसान को कितना मुआवजा दिया जाए इसके ऊपर चिंतन किया। मैं सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता, सरकार मदद करती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा अनुरोध है, लगभग सभी सदस्यों ने अपनी अपनी तरह से बात रखी, कैसे मुआवजा मिले, किस तरह से मदद हो। मैं चाहता हूं नीतिगत फैसले होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा होती है, सबसे बड़ी राहत सरकार की मदद के रूप में आती है, दूसरी बीमा के रूप में आती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, इस देश में राज्यवार बीमा की नीति बनना चाहिए किसान की मदद के लिए। जो नीति उत्तर प्रदेश में बीमा की किसान को लाभ पहुंचा सकती है, आवश्यक नहीं कि वही बीमा नीति महाराष्ट्र में भी लाभ पहुंचाए। जो नीति महाराष्ट्र में कृषि बीमा की नीति है, आवश्यक नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में भी वो कृषि बीमा नीति उसका लाभ किसान को मिले। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो बीमा की नीति बने वो राज्यवार बने। मुझे खुशी है मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने प्रदेश में एक बीमा नीति, अपनी बीमा नीति बनाने का फैसला किया है। इस तरह से अगर राज्यवार बीमा की नीति बनेगी, किसान को सीधे उस राज्य में कौन सी फसल लगाता है, कौन से महीने में फसल लगती है, उस आपदा से क्या नुकसान हुआ, स्थानीय स्तर पर अगर उसका आकलन होगा तो शायद हम किसान की बेहतर मदद कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, बारिश आमतौर पर जो ओले से और दूसरे तरह से आपदा आती है, उससे नुकसान व क्षति मिलती है, लेकिन अति बारिश में उसका आकलन नहीं होता। कई बार बारिश अगर 2 इंच पानी गिरा है वहां भी उतना नुकसान कर जाता है, कहीं 6 इंच पानी गिरने के बाद भी नुकसान नहीं होता। यह फसल के ऊपर निर्भर करता है, अगर दलहन की फसल है तो 2 इंच पानी भी नुकसान कर जाता है, लेकिन अगर फसल गेहूं की है 6 इंच पानी गिरने के बाद भी नुकसान नहीं होता। इसलिए स्थानीय परिस्थितियां आकलन का आधार बने, मेरा यह अनुरोध आपके माध्यम से है। दूसरा, बीमा की हमारी जो कंपनियां हैं उनकी बाध्यता तय होना चाहिए। हमारी बीमा नीति जो बनी है अभी तहसील के आधार पर थी, वो नीचे आकर गांव और किसान को उसका आधार बनाया जाए और बीमा कंपनियों की बाध्यता रहे। मोटर दुर्घटना होती है, मोटर दुर्घटना में किसी का नुकसान होता है, बीमा कंपनी बगैर खबर के सीधे उसको अप्रोच करती है, मदद करती है, लेकिन किसान की जब क्षति होती है उसका किसान का प्रीमियम तो लोन के साथ काटा जाता है, लेकिन जब उसकी क्षति होती है तब बार बार आग्रह करने के बाद भी किसान को मुआवजा नहीं मिलता। इसमें सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि जैसे ही प्राकृतिक प्रकोप अगर किसान के ऊपर होता है, बीमा कंपनियां आगे बढ़े, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बना के किसान की मदद करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, जहां पर यह प्रकोप हुआ है, जहां पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना की हमारे मित्र ने अभी बात की, जिन राज्यों में क्षति हुई है वहां पर जो माल बचा है, कम से कम स्थानीय सरकारों को और हमारी सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर वो अनाज, जो बचा हुआ अनाज है, उसे सरकार खरीदने का काम करे। गेहूं भारत सरकार खरीदती है, दूसरी दलहन फसल जो है, दूसरी हमारी जींस जो है, उनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करते हैं, लेकिन हम देखते हैं हिंदुस्तान की मंडियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर अनाज खरीदा नहीं जाता। सामान्य परिस्थितियों में किसान इस बात की परवाह नहीं करता, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हैं, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, किसान प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, कर्जे से जूझ रहा है, हमारे किसी ने साथी ने कहा बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहा, इन परिस्थितियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर मंडी के अंदर उसका माल खरीदा जाए, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, लगातार लंबे समय से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान की लागत का मूल्य बढ़ रहा है, किसान की लागत का मूल माननीय सभापति महोदय हर वर्ष बढ़ता है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उतनी वृद्धि नहीं है, उसको भी दोबारा से चिंतन करने की आवश्यकता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं
कि हमारी संवेदनशील सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान को, किसान की पहली बार परवाह हो रही है, इसलिए हम इस बात को आग्रह करते हुए हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी ध्यान देगी और किसान की मदद करेगी। यहाँ माननीय हमारे राजनाथ जी अभी नहीं है, यहाँ पर थे गृह मंत्री जी, माननीय राधा मोहन जी कृषि मंत्री यहाँ बैठे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, राज्यों में नुकसान के बाद राज्य की सरकारें जाती हैं, लेकिन मैंने पहली बार ये अनुभव किया है कि देश की सरकार किसानों के बीच में जो क्षति हुई है उसमें देश की सरकार किसान के बीच में गई है, वहां उसका आकलन किया है, उसके दुख दर्द को देखने की सरकार ने कोशिश की है। ये किसान के लिए एक सुखद अनुभूति है, किसान को उम्मीद जगी है कि भारत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन जी के अच्छी लीडरशिप में किसान को मदद करेगी, समय पर करेगी। उसमें मैं चाहूंगा कि ये सदन राजनीतिक हमारी जो मान्यताएं हैं उससे ऊपर उठकर राजनीति ना करते हुए देश के किसानों की सही समय मदद हो। जहां जो सरकार है वो सरकार ईमानदारी से किसानों के बीच में जाकर मदद करे, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।